गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ अपने गांव में हूँ और आपके सामने है गौ माता, उनका छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी। और यहाँ पे जो है अपने बच्चे को वो दूध पिला रही हैं। और अभी हमारी आंटी जी वो जो है आने वाली हैं दूध निकालने के लिए, आ भी गई ये तो। तो दूध निकालने से पहले जो है धो रही हैं ताकि किसी तरह का कोई भी जो है गंदगी लगा ना रहे, क्योंकि जब वो बैठती हैं ना गाय नीचे तो ठंड में जो है गंदगी वगैरह कुछ लग जाता है, तो उसे वो धो दी और उसके बाद जो है दूध निकाल रही हैं। गाय को पैर को जो है बांध दिया गया है ताकि वो पैर चला ना सके, क्योंकि आंटी जी दूध निकाल रही है ना इसीलिए। ये हमारे जो है चाचा जी निकालते हैं ना, तो वो तो बिंदास, उन्हें बिल्कुल गाय के पैर को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिंदास टाइप से निकालते हैं। आंटी जी का हाथ तो मस्त चल रहा है। अभी तक बाल्टी में मुझे लगता है सिर्फ 1 किलो, हाँ 1 किलो तो डेफिनेटली हो गया होगा, 1 किलो दूध हो चुका है। देखते हैं लास्ट तक में जो है कितना दूध हमारी जो प्यारी सी चाची जी निकालती हैं। हाँ ये पूरा निकाल सकती है क्योंकि इनकी आदत हो गई है निकालने की। चाची जी ये कुछ नहीं बोलती, जब वो गाय का दूध निकालती है ना तो बिल्कुल शांति से, इन्हें बीच में टोका टाके बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये दूसरी चाची जी वो थक गई, वाह छोटी चाची जी जो है ना वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, और बीच बीच में जो है ना बड़ी चाची जी उनकी जो है हेल्प की जा रही है। तो इस तरह से जो है ना दोनों मिलकर निकाले जा रहे हैं और मैं जो है बस मज़े से देखे जा रही हूँ कि वो किस तरह से निकाल रही है। और हाँ आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी, ओके। और चाची जी जो है 2 किलो निकाल चुकी है।